इस वीडियो में हम लोग गिप्स डुएम मार्गुलस इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ देयर वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दो कंपोनेंट है ए और बी वे इक्विलिब्रियम में है उनके वेपर फेस से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इफ़ एन ए एंड एन बी आर द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कम्पोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन अकॉर्डिंग टू गिप्स डू एम इक्वेशन एन ए और एन बी को नंबर ऑफ मोल्स मान ले कम्पोनेंट ए और बी का तो अकॉर्डिंग टू गिप्स डू एम इक्वेशन जो कि थर्मोडाइनमिक्स का एक इक्वेशन है उसके हिसाब से हो जाएगा एन ए डी म्यू ए प्लस एन बी डी म्यू बी इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे म्यू ए एंड म्यू बी क्या है केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट ए और बी का इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं और आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं जब दो कंपोनेंट ए और बी इसको आपस में मिक्स करके इनका बाइनरी सॉल्यूशन बनाएं और ये कंपोनेंट इनके भेपर फेज से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में है ठीक है तो इनका जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल होगा म्यू ए और म्यू बी इनको जब ऐड करेंगे तो ये जीरो होगा ठीक है और इसी को हम लोग इनके केमिकल पोटेंशियल को इनके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सिंपल है इसके बाद देख इस इक्वेशन वन को एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करते हैं ठीक है थोड़ा सा जा करते हैं देखते हैं क्या होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी डी म्यू ए प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी डी म्यू बी यही है बस एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दिए हैं इधर में जीरो ही रहेगा तो क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी ये होता है मॉल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या होगा एक्स ए डी म्यू ए प्लस एक्स बी डी म्यू बी इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे यहाँ पे एक्स एंड एक्स बी क्या है मॉल फ्रैक्शन है कम्पोनेंट ए एंड बी का इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लिए हैं अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडाइनमिकली द केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई किसी भी कंस्टिट्यूएंट का केमिकल पोटेंशियल इसके लिक्विड मिक्सचर में कैसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू आई इज इक्वल टू नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई ठीक अब यहाँ पे एफ आई और म्यूनोट क्या है उसको देखते हैं वेयर एफ आई रिप्रेजेंट्स द फुगा ऑफ द गिवन कॉन्स्टिचुएंट इन द लिक्विड और इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम एफ आई फुगा है उस गिवन कॉन्स्टिचुएंट का चाहे वो लिक्विड फेज में हो या वेपर फेज में बस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और म्यूनोट म्यूनोट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द सबस्टांस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सबसे कॉन्स्टेंट है ठीक है डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वेशन थ्री को कॉन्स्टेंट uh, टेम्परेचर पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा डी म्यू आई इज इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट है प्लस यहाँ तो ये जीरो हो गया प्लस आर टी आर टी को बाहर ले लेंगे और डी एल एन एफ आई यही होगा ठीक है इक्वेशन इसको फोर मान लेते हैं अब इस म्यू आई का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन टू में पुट करते हैं ठीक है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी म्यूवाई इन इक्वेशन टू वी गेट एक्स ए आर टी डी एल एन एफ ए प्लस एक्स बी आर टी डी एल एन एफ बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है म्यू ए की जगह में हम लोग रख दिए आर टी डी एल एन एफ ए और म्यू बी की जगह हम रख दिए आर टी डी एल एन एफ बी ठीक है और अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन फाइव मान लीजिए और इसको क्या करेंगे डी एक्स ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स ए आर टी डी एल एन एफ ए बाई डी एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी डी एल एन एफ बी बाई डी एक्स ए ठीक है इज इक्वल टू जीरो इस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन फाइव को हम लोग डी एक्स ए से डिवाइड किए तो ये एक्सप्रेशन आया इसको हम लोग इक्वेशन सिक्स मान लिए अब हम लोग एक टर्म्स ध्यान में देते हैं कि जब भी सेंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन यानी दो कंपोनेंट uh, का जब मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा वन इसका मतलब क्या है जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स ए प्लस डी एक्स बी एज इक्वल टू हो जाएगा जीरो वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो तब क्या हुआ डी एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स बी यानी डी एक्स ए के जगह में हम लोग माइनस डी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स बी के नीचे डी एक्स ए था उसको माइनस डी एक्स भी लिख देंगे अब फ्रोम इक्वेशन सिक्स इक्वेशन सिक्स में क्या हो जाएगा एक्स ए आर टी डी एल एन एफ ए बाई ये इसको जैसा का तैसा ही रख देते हैं डी एक्स ए अब इसमें क्या करेंगे एक्स बी आर टी डी एल एन एफ बी और यहाँ पे डी एक्स ए की जगह पे डी एक्स लगा देंगे तो क्योंकि इसका जो डी एक्स ए का वैल्यू होता है माइनस डी एक्स बी तो यहाँ पे डी एक्स बी लगाएँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस सिंपल यही और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा जीरो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में दो काम करना है ये आर टी और यहाँ पे आर टी ये दोनों को कॉमन लेना है ठीक है और इसको इधर भेज के जीरो कर देना है और दूसरा ये जो एक्सए है इसको इस डी एक्स ए के नीचे ले आना है और ये जो एक्स बी है इसको डी एक्स बी के नीचे ले आना है ठीक है करते हैं आर टी और यहाँ पे डी एल एन एफ ए और डी एक्स ए बटा ये एक्सए नीचे ले आए एक्स ए माइनस एक्स बी इसको नीचे ले आना है यहाँ से आर टी भी निकल गया है तो बचा डी एल एन एफ बी बटा डी एक्स बी बाई एक्स बी यहां पर क्या किए हैं कि ये जो एक्से है इसको एक्से से मल्टीप्लाई और एक्सए से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन ये एक्स इसको काट दिया और ये डी एक्स ए के नीचे ये वाला एक्स से आ गया इस इस साइड में भी वही डी एक्स बी को क्या किए हैं एक्स बी से मल्टीप्लाई और एक्स बी से डिवाइड किए हैं तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ये ऊपर वाला एक्स बी इसको काट दिया और नीचे एक्स बी आ गया ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किए ये आर टी को उधर भेज दिए आर टी हो जाएगा जीरो और ये जो डी एक्स ए बाई एक्स ए और डी एक्स बी बाई एक्स बी है ये हो जाएगा डी एल एन एक्स ए और डी एल एन एक्स बी ठीक है इसको देखते हैं डी एल एन एफ ए बाई हो जाएगा डी एल एन एक्स ए माइनस डी एल एन एफ बी बाई डी एल एन एक्स बी इज इक्वल टू जीरो अब इसी से हम लोग लिख सकते हैं डी एल एन एफ ए बाई डी एल एन एक्स ए इज इक्वल टू डी एल एन एफ बी बाई डी एल एन एक्स बी ठीक है इसमें से डी एल एन एफ बी बाई डी एल एन एक्स बी को इस साइड में भेज दिए तो ये हो जाएगा डी एल एन एफ ए बाई डी एल एन एक्स ए इज इक्वल टू डी एल एन एफ बी बाई डी एल एन एक्स बी इसको इक्वेशन सेवन मान लिए, ठीक है अब ये जो इक्वेशन सेवन है ये दिस इक्वेशन इज वैलिड वेदर वेपर फेस बिहेव्स आइडियली और नॉन आइडियली ये वैलिड है अगर वेपर प्रेशर आइडियली हो या नन आइडियली दोनों तरह से बिहेव कर रहा हो दोनों में ये इक्वेशन गिफ्ट टू मार्गुलस इक्वेशन की तरह वैलिड है इफ़ भेपर बिहेवस एज एन आइडियल गैस देन द फुगासिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेपर प्रेशर, सो दैट इक्वेशन सेवन बिकम अगर भेपरस जो है वो बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह तो फुगा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वेपर प्रेशर से तो इक्वेशन सेवन हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ एफ ए के जगह में पी ए लगा देना है एफ बी के जगह में पी बी लगा देना है यानी फुगा को रिप्लेस कर देगा कौन वेपर प्रेशर

मिलते हैं से किसी नेक्स्ट वीडियो में